हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 11th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स विषय में समुच्चय पाठ में मेरा दूसरा वीडियो है। इसमें हम समुच्चय के प्रकार के बारे में बता रहे हैं आपको। इसके पहले वीडियो में समुच्चय का डिफिनेशन आपको बताया गया। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इस बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम एक समुच्चय लिखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय है, इसके अक्षरों का समुच्चय लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? ए बी सी डी ऐसे जेड तक लिखेंगे। आपसे पूछा जाए इस समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं तो आप कहेंगे 26। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखना हो 1 2 3 4 5 कहां तक लिखेंगे? इनफाइनाइट तक। आपसे कहा जाए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं तो आप कहेंगे नहीं गिन पाएंगे, इनफाइनाइट। आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ए से पहले कोई अक्षर है उसका समुच्चय बनाना है तो क्या बनाएंगे? एक समुच्चय ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसमें कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला में ए के पहले कौन सा अक्षर आता है? कोई नहीं, तो ये खाली रहेगा। तो ऐसा एक समुच्चय है लेकिन खाली है, इसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो फिर ऐसे भी समुच्चय होते हैं जिसमें कोई अवयव नहीं होता है, ऐसे समुच्चयों को कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो क्या डिफिनेशन बना? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। इसे बोलते हैं इम्प्टी सेट, इम्प्टी और नल, कोई भी नाम देते हैं, नल सेट। फिर अभी इसी में दो प्रकार कुछ समुच्चय ऐसे मिल रहे हैं जिसके अवयवों में कितने हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसकी गिनती किया जा सकता है। जैसे इसमें 26। कुछ समुच्चय ऐसे हैं जिनके अवयवों को नहीं गिना जा सकता, कितने एलिमेंट हैं इसमें नहीं बता सकते। तो ऐसे समुच्चय जिनके अवयव परिमित संख्या में हो, निश्चित संख्या में हो, उसे गिन सकते हो, तो ऐसे समुच्चय को बोलते हैं परिमित समुच्चय, परिमित या सीमित। फाइनाइट सेट, और ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अपरिमित हो, असीमित हो, उसे कहते हैं अपरिमित समुच्चय, अपरिमित या असीमित, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट। तो अभी आप देखें रिक्त समुच्चय क्या है, परिमित समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय क्या है। फिर चौथा देखते हैं। अब हम एक समुच्चय पर विचार कर रहे हैं। जैसे आपसे कहा जाए सम अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखिए, सम अभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो सम भी हैं और अभाज्य भी हैं? तो आप शुरू से गिनो, प्राकृतिक संख्या तो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। इनफाइनाइट में आप देखिए कौन कौन सम है, तो सम 2 4 6 ऐसे होगा, लेकिन अभाज्य भी होना चाहिए। तो अभाज्य कैसे? 2 2 के बारे में आप क्या जानते हैं? 2 सम भी है और अभाज्य भी है। 4 4 सम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है, तो अकेले 2 आएगा। अर्थात कुछ समुच्चय ऐसे भी मिलते हैं जिसमें केवल एक अवयव होते हैं, इसे कहते हैं एकल समुच्चय। नाम से ही इसका डिफिनेशन स्पष्ट हो रहा है, सिंगलटन सेट। तो ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे आप एकल समुच्चय कहते हैं। एक चीज और यहां थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है। जैसे किसी समुच्चय को हम लिखते हैं, मान लो लिख दिए 2 2 2 2 2 2 ऐसे। आपसे कहा जाए इसमें कितने अवयव हैं? ध्यान दीजिएगा, किसी भी समुच्चय में अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं। अगर कोई अवयव कई बार दोहराया गया है तो उसको आप एक ही अवयव मानेंगे। ये ध्यान दीजिए, इसमें एक ही अवयव है, भले ही अनंत दर्शाए गए हैं। ये सिंगलटन सेट है, ये सिंगलटन सेट का उदाहरण है। जैसे 1 2 3 2 1 5 1 2 3, आपसे कहा जाए इसमें कितने अवयव हैं? तो 1 3 बार आया है, कोई मतलब नहीं, 1 2 3 5, 1 2 3 5, ये समुच्चय यही है। इसमें केवल 4 एलिमेंट्स हैं,
इससे कई बार लिखने से कोई मतलब नहीं है, ये थोड़ा ध्यान देंगे। तो यहां हम लोग ये चार प्रकार पढ़े, अभी और है। यहां पर दो सेट आपके सामने दर्शाए गए हैं, एक सेट ए, उसे देखने में तो इसमें एक दो तीन चार पांच छह एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इसमें तीन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो ये वन टू थ्री ही है, क्योंकि वन कई बार, दो बार आया, दो भी दो बार, तीन भी दो बार, तो उसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये दो सेट देखने में अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन दोनों सेम हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को कहते हैं समान समुच्चय, समान समुच्चय, इक्वल सेट। तो ऐसे समुच्चय ए, दो ए और बी दो समुच्चय दिए गए हो, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो, तो ए और बी को समान समुच्चय कहते हैं। यहां एक शब्दावली और आती है, समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय में अंतर ध्यान दीजिए। जैसे हम बोले समुच्चय ए वन टू थ्री, समुच्चय बी बोलते हैं सिक्स एट नाइन, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? थ्री। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? थ्री। यदि दो समुच्चय ऐसे हो जिनके अवयवों की संख्या समान हो, अवयव क्या है उससे मतलब नहीं, उनकी संख्याएं समान हो, तो फिर ऐसे समुच्चय को समतुल्य समुच्चय कहते हैं। समान समुच्चय अवयव सेम होने चाहिए और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तो ऐसे को समतुल्य समुच्चय कहते हैं। इसको नोट करते हैं, यन ए नंबर ऑफ ए, माने ए में कितने नंबर हैं? तीन। नंबर ऑफ बी, बी में अवयवों की संख्या कितनी है? तीन। तो ये नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी ऐसे नोट करते हैं। इसी समुच्चय में एक डिफिनेशन और समझ लें आप, यदि ए और बी में कोई एलिमेंट्स कॉमन दिख रहे हैं क्या? ए का कोई अवयव बी में है? नहीं। बी का कोई अवयव ए में है? नहीं। यह दो अवयव, दो समुच्चय इस प्रकार हो कि उसमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं हो, तो उसे बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। इसे क्या बोलेंगे? असंयुक्त, डिसजॉइंट सेट। अभी जो डिफिनेशन आपको बताया गया, जो समुच्चयों का प्रकार बताया गया, केवल इतनी बातों पर आधारित आपका एनसीईआरटी बुक में जो हिंदी मीडियम किताब है उसमें एक्सरसाइज 1.2 के सवालों को हम लोग लगा सकते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम लोग 1.2 के भी सवालों को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल देखिए, लिखा निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला, दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या कोई ऐसी विषम प्राकृतिक संख्या होती है जो दो से विभाज्य हो? नहीं होती है। तो इसमें कोई भी अवयव नहीं मिलेंगे, इसलिए ये समुच्चय क्या होगा? रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो सम अभाज्य संख्या तो अभी आपको एग्जांपल में टू मिल जाता है, ये रिक्त नहीं है। यक्ष एक प्राकृतिक संख्या है और यक्ष लेस देन फाइव और साथ ही साथ यक्ष ग्रेटर देन सेवन, मतलब वह कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या आप बताइए जो पांच से छोटी हो और साथ ही साथ सात से बड़ी भी हो। अगर पांच से छोटी होगी तो सात से बड़ी कहां होगी? ऐसा संभव ही नहीं है। तो फिर ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। वाई किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, तो क्या कभी दो समांतर रेखाएं ऐसे हो कभी काटती हैं क्या? कहीं नहीं काटेंगी। तो ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर टू में है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? आप देखो, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष में कितने महीने होते हैं गिन पाएंगे? गिन लेंगे, 12 महीने होते हैं, तो ये परिमित है। ये 1, 2, 3 डॉट 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 लिखा गया, इसमें कहां तक गया है? इनफाइनाइट, नहीं गिन पाएंगे, ये अपरिमित का उदाहरण है। थर्ड, 1 से 100 तक है, ये परिमित है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े कितने धन पूर्णांक है? 101, 102, 103 चलते जाएं, तो अपरिमित है, अनंत तक होगा। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय आप बनाइए। 99 से छोटे कौन कौन पूर्णांक है आप बता सकते हैं, खुद सोचेंगे। 3, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ये सब बहुत आसान है, आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी अथवा नहीं, माने इक्वल है या नहीं है। पहले यहां देखो, ए बी सी डी है, इसमें क्या है? ए बी सी डी,
यहाँ समुच्चय के अवयवों के क्रम का कोई मतलब नहीं होता है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है इसका कोई मतलब नहीं, यह ए बी सी डी ही पढ़ेंगे, ए बी ए बी सी डी। तो यहाँ तो ए और बी इक्वल हैं, ठीक, ए बराबर बी लिखेंगे। 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 नहीं है इसमें, ये नॉट इक्वल है, करा ना, अथवा नहीं तो कहोगे ए नहीं है बराबर बी के, तो ऐसे इसको मिलाएंगे आप। इसमें एक देखें, यक्ष संख्या 10 का एक गुणज है, और ये क्या है, यहां लिखा गया है यक्ष संख्या 10 का गुणज है, 10 से कटने वाली संख्या है, तो 10 से कटने वाली संख्या क्या होती है, 10, 20, 30, 40, तो यहाँ 15, 25 भी आया है, तो क्या इक्वल, ये 15 और 25 10 की गुणज है, नहीं है, तो इक्वल नहीं है। फिर वही काम, सेम काम पचवे में भी करना है, आप कर लेंगे। जैसे यहाँ 2, 3 दिया है, यक्ष समीकरण इतने का एक हल है, तो पहले इसको आप हल करें, जैसे हाई स्कूल में आप द्विघात समीकरण हल किए हैं, यक्ष स्क्वायर प्लस 5x+6 इक्वल 0 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसके मूल यक्ष बराबर -2 आते हैं, -3 आएगा, 2, 3 आएगा, हाँ, तो यहां पर क्या होगा, ये 2, 3 है, चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ देखिए पचवन का पहला, ए और बी दो सेट आपके सामने हैं, ए इक्वल 2, 3 और बी इक्वल इस समीकरण का हल है, तो इस समीकरण को हल कीजिए, तो यक्ष स्क्वायर प्लस 5x+6 इक्वल 0 है, तो 2/3 गुणनखंड विधि से ही हल कर लो, आप लिखते हैं 2x+3x+6 इक्वल 0, यक्ष कॉमन लेते हो, यक्ष प्लस 2, 3, यक्ष प्लस 2, तो फिर यक्स प्लस 2 यहाँ कॉमन आता है, फिर यक्स प्लस 3 इक्वल 0, यक्स इक्वल -2 और -3, तो इसका सेट बनाते हैं तो यही बी होगा, क्योंकि क्या कहा गया, बी एक यक्स समीकरण इतने का हल है, तो इसका हल क्या है, -2 -3, तो इस समुच्चय को ऐसे लिखेंगे। अब देखिए ए और बी बराबर हैं, 2, 3 है, -2, 3 नहीं बराबर है, तो ए इज नॉट इक्वल बी, ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखिए पांचवे का दूसरा सवाल, इसमें दो सेट दिए गए हैं, पहले इसको आप सारणीय विधि से नोट कराएं, यक्ष क्या बताया गया है, यक्ष सप्त फालों का अक्षर है, तो इसके अक्षरों को सेट बनाइए, यफ, किसी अक्षर को रिपीट नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यफ ओ यल डबल यल एक ही बार लिखेंगे, ओ लिख चुके फिर डब्लू, इसमें सीरियल का कोई मतलब नहीं, आप यल को पहले लिख दो बाद में लिखो, इसमें आइए डब्लू ओ यल यफ, क्योंकि इनके अक्षरों का समुच्चय बनाना है, तो समुच्चय लिखते समय उन अवयवों के बीच को अंतर कामा द्वारा करते हैं। अब इसको मिलाइए यफ ओ यल डब्लू, यफ ओ यल डब्लू सेम है, इसलिए यहां भी ए इक्वल बी है। क्वेश्चन नंबर 6 को आप बुक में ही देख लें, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, ए बी सी डी ऐसे सब दिए गए, कौन समान है, जैसे 2, 4, 8, 12, अब देखिए 2, 4, 8, 12 कोई है क्या, कोई नहीं है, 1, 2, 3, 4 यहां है, 1, 2, 3, 4, तो आपका बी और डी इक्वल हैं, 4, 8, 12, 14 कोई नहीं है, तो आप मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ई और जी फिर बराबर दिख रहे हैं, देखिए क्रम से कोई मतलब नहीं, वो एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसे 0, 1 यहां है, 0, 1 तो और कोई नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन कौन बराबर हुआ, ए और डी बराबर हो गए, और फिर ई और जी बराबर हो गए, तो इस तरह से ये हमारा 1.2 भी कंप्लीट हुआ। मेरा अगला वीडियो आएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन उप समुच्चय के बारे में बताएंगे।